मैं भी बहुत सालों बाद सोचूंगा, पीछे मुड़ के देखूंगा, फिर मैं भी कहूंगा मैंने भी किया 75 हार्ड को एक्सेप्ट और कंप्लीट। यस, हे गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनस्पेशल व्लॉग। दिस इज मी उत्कर्ष सिंह, वाचिंग मी ऑन माय चैनल जयमतारा। सो आफ्टर 25 डे, मतलब 25 दिन पहले 50वां व्लॉग बनाया था, 50वां नहीं, डे 50 का व्लॉग बनाया था। सो समझ गए होगे, 25 दिन बाद ये गाइस, आई हैव आल्सो कंप्लीटेड डे 75। कंप्लीटेड तो नहीं, आज ही है मेरा 75 डे। कर लेंगे भाई, आज भी कंप्लीट कर लेंगे, हो जाएगा कंप्लीट। सी 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 कुछ बोलना है? ओ भाई, डे 75 स्टार्ट कर देते हैं। और देखो अभी दिन के ये 11 बज गया, 11:10। और इस ब्लॉग में यार डिस्कस करेंगे कि आखिर ये 75 करते हुए मैंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किया, इन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बता दूं, अगर आपने देखा होगा 75 डे वाली वीडियोस, शॉर्ट्स, रील्स वगैरह, तो आपको पता होगा कि आखिर दिनचर्या क्या रहती है मेरी। मैं ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन सुबह सुबह भाई दिन को जैसे ये स्टार्ट करते हैं चना मूंग ये खाते हुए, तो अभी वही खाऊंगा। और भाई एक मैंने डब्बा लिया हुआ था मिक्स फ्रूट का, उसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह है, तो मैं उसी को लेता हूँ। उसको यार नॉर्मल ब्लॉग ही रखते हैं, लाइक जो जो चीज़ मैं कंप्लीट करता जाऊँगा और उसको मतलब शूट करता जाऊँगा फिर, ठीक। तो मैं यहीं पे करता हूँ एक्सरसाइज, ये रहा है स्पीकर, इसमें गाना बजा के मैट डाल के यहीं पे एब्स की करता हूँ, नहीं तो डंबल से फिर अपर बॉडी की करता हूँ। और ये है मिक्स फ्रूट, इसे वो खा के गाइज घोड़े की तरह भागते हैं, तभी तो 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भाग पाते हैं, क्यों है ना। बिल्कुल, अभी छोटी सी मोटर ब्लोइंग करनी है, तो इसके लिए ये सेटअप लगाना पड़ेगा इस हेलमेट पे। 1 किलो मूली, 1/2 किलो खीरा, ये रही गाइज अपनी जंगली, ये बुलेट है, इसका नाम हमने रखा हुआ है जंगली। तो ये अपन चल दिए गाइज, तो सुबह सुबह अपन को काम होते छोड़ने जाने का। देखो सामने स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वाव गाइज। वैसे बात किया जाए तो दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल भैंस की आँख खतरनाक बढ़ रहा है। वैसे मैं शाम को आपको दिखाऊंगा, देखना पार्क का सीन, बिल्कुल यार यूं लगेगा ना कि ये धुंध है, लेकिन धुंध नहीं, वो होता है पॉल्यूशन। आपको एहसास नहीं होगा कि अच्छा ये पॉल्यूशन है। आराम से मेट्रो से हाथ बाहर नहीं, ठीक है। चलो घर पहुंच गया, अब अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं। ये रहा 2 डंबल, 7-7 किलो का है दोनों। तो पहले करेंगे अपर बॉडी की, बैक, शोल्डर और आर्म्स की, उसके बाद करेंगे एब्स की। मेरी कोशिश थी भाई चैलेंज खत्म होते होते एब्स लाने की, पर एब्स तो नहीं ला पाया, लेकिन हाँ फैट कम कर लिया। ये एक प्लेट है 3 किलो का, दूसरा 3 का, 3-3-6 और 1 का रॉड, मतलब 7 किलो, 7 किलो का एक डंबल है। उससे बैक, शोल्डर और आर्म्स की मस्त एक्सरसाइज कर लिया, और फिर मैट डाल के एब्स किया। जैसे ये चैलेंज पास में आ गया ना, 75 डे के पास में आ गया, वैसे मैं दोनों करने लग गया एक ही दिन, मतलब अपर बॉडी की भी और कार्डियो की भी एक साथ। नहीं तो यूजुअली एक दिन करता था अपर बॉडी की, अगले दिन कार्डियो की, मतलब आज सुबह की अपर बॉडी, तो शाम को जाके फिर कार्डियो की, अगले दिन सुबह कार्डियो, शाम को अपर बॉडी, मतलब पुल अप वगैरह, सपाटे वगैरह, ये सारे चीज़। लेकिन जैसे चैलेंज पास में आया तो दोनों को कंबाइन कर दिया, सुबह भी दोनों एक साथ, शाम को भी दोनों एक साथ। डाइट की बात करूँ तो जैसे मैंने बताया, सुबह सुबह मैं लेता हूँ यार चना मूंग, अनार कभी लेता हूँ, कभी लेता हूँ सेब, नहीं तो मिक्स फ्रूट। तो भाई मैं सप्लीमेंट वगैरह नहीं ले रहा था, लेकिन इधर ही एक ब्रांड ने अप्रोच करा, तो मैंने उनका 1-2 दिन यूँ ट्राई करके देखा था सप्लीमेंट, बेटर है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए, वो चीज़ बेटर है, ले सकते हैं। लेकिन मैं अपने पूरे चैलेंज में भाई नॉर्मल ही, नेचुरली ही बॉडी बनाने की कोशिश कर रहा था, बस एंड में आते आते मैंने 3 दिन वो प्रोटीन कंज्यूम करा, पर अभी नहीं कर रहा। सो हेयर इज मिल्क, इसको पी लेते हैं।
आज तगड़ी नींद लिया भाई, 1.5-2 घंटे सोया होगा दिन में भाई। मस्त केला खा के जा रहा हूँ, बचे हुए 50% टास्क को कंप्लीट करने। ये चैलेंज रियली में यार बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैलेंज था। तो अगर इस चैलेंज को लेकर कुछ बातचीत करें तो इस चैलेंज में आखिर क्या चीज मेरे को चैलेंजिंग लगी? तो यार कुछ भी चैलेंजिंग नहीं लगी, बस एक टास्क जो था वो चैलेंजिंग था, वो पानी पीने वाला टास्क। यार क्या है ना, 4 लीटर पानी पियो और फिर वॉशरूम भागो, यही रहता था। स्टार्टिंग में मेरे को वो काफी हैक्टिक सा लगा, लेकिन उसके बाद यूज टू हो गया। फिर भाई एक भी टास्क ऐसा नहीं था जो चैलेंजिंग था मेरे लिए। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि भाई मैं रेगुलरली जाके शाम को रनिंग करता था, और ये चैलेंज में भी कुछ यूं ही टास्क वगैरह थे, 2-2 बारी वर्कआउट करना था जो कि इजी था मेरे लिए। और बुक रीड करने की बात करूं यार, तो मैंने इसमें रीड किया है, पहले मैंने रीड किया था पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक, वो खत्म कर दिया। उसके बाद रीड किया इकिगाय के बाद अभी रीड कर रहा हूँ मैं चाणक्य नीति के भी मैं 10वें अध्याय में पहुंच गया। तो ये 3 बुक मैंने चूज किया। और मैंने भी सोचा था भगवत गीता रीड करूँ, लेकिन उसके यार मैंने काफी वो देखे कि अगर श्लोक मैं गलत भी उसके उच्चारण कर रहा हूँ ना, तो उसके गलत प्रभाव पड़ते हैं। प्लस उसको क्या है ना, रीड करने का वो भी होता है कि भाई नहा के फिर रीड करो, एंड देन सही जगह बैठ के रीड करो, बुक को नीचे मत रखो कहीं पे। तो ये मेरे डे टू डे लाइफस्टाइल में वो फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैं रीड नहीं किया चैलेंज में। लेकिन हाँ, जरूर मैं रीड करूंगा इसको, मे बी ऑडियो बुक सुन लूँ या फिर रीड करूँ, पर करूंगा जरूर। तो ये है भाई साइकिल जिससे मैं जाता हूँ यूजुअली पार्क। और बता दूं तो भाई डेली के मैं लगभग 10 किलोमीटर करीब साइकिलिंग कर लेता हूँ। देखो अगर मैं चैलेंज को चैलेंज की तरह लेता तो मे बी ये बीच में ब्रेक हो जाता, लेकिन मैंने इसको चैलेंज की तरह नहीं लिया, इसको यूं सोचा कि भाई मेरी यही लाइफस्टाइल है, बस करते जाना है। इसलिए दिन बीतते गए और चैलेंज भी धीरे धीरे कंप्लीट होता गया। देखो पहुंच गए, ये बिल्कुल खाली पार्क है। ये जो आपको फॉग सा दिख रहा है, फॉग कम, ये पॉल्यूशन ज़्यादा है भाई। और ये पार्क की लोकेशन भी बहुत खतरनाक है भाई। एक दिन तो रनिंग कर रहा था तो इधर अपने को नीलगाय देखने को मिल गई, नीलगाय से सामना हुआ था, यूं भागते हुए जा रहा, वो आगे से निकली भैंस की आँख। यार अगर रनिंग की बात करूँ ना, तो सबसे मैंने चैलेंज स्टार्ट किया था 26 अगस्त, वहाँ से अगर काउंट करें तो भाई मैंने 155 किलोमीटर टोटल कवर कर लिया है। और मैं ना बेसिकली ऐप यूज़ करके रनिंग करता हूँ, जिससे क्या है ना ट्रैक होते रहता है कि हाँ कितने किलोमीटर मैंने कवर करा है। तो उसी से पता चला भाई 155 किलोमीटर मैंने कवर कर लिया अब तक, और आज भी मैं 5 किलोमीटर मारने वाला हूँ। चलो मस्त करते हैं। पंजा कंप्लीट, 5 किलोमीटर कंप्लीटेड। पेस यार काफ़ी हाई चला गया, फिर वीडियो शूट कर रहा था ना फोन रख के, फोन एक जगह स्टिल रह जा रहा था, तो पेस बहुत हाई गया। धुआं धुआं, यही तो मोटिवेट करता है। हाँ, अब पुल अप और चिन अप कर लेते हैं, उसके बाद बाकी एक्सरसाइज करेंगे। अभी इस हैवी वेट से स्क्वाट मार लेता हूँ। देखने में हल्का लग रहा होगा, पर ये हल्का नहीं है, बहुत भारी पत्थर ही है। चलो अब पुशअप मार लेते हैं। पुशअप में भी डायमंड, आर्चर, पाइक और नॉर्मल पुशअप, इन सभी को भी मारते फटाफट। पहले सपाटे मारता हूँ, उसके बाद नॉर्मल पुशअप से स्टार्ट करूँगा। अब मारते हैं डायमंड पुशअप। 75 हार्ड ना मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग रहा है। अब बोलोगे इसके बाद भी मैं फॉलो करूं, मतलब कंटिन्यू रखूं, तो यार बता दूं फॉलो अप में ना इसके और भी फेज है, 3 और फेज है, और मैं अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखूं ना रखूं अभी बात करता हूं। एक सेकंड, पहले आर्चर पुशअप मार लेते हैं। क्या ना यार, जब मैंने स्टार्ट किया था ना अगस्त में, तो कुछ सोच के किया था कि भाई ये 75 दिन कंप्लीट होते ही, जो 75 दिन बाद मतलब तो उसके कुछ दिनों बाद जो फंक्शन है उसको मैं अटेंड कर पाऊँ। तो जस्ट ये चैलेंज खत्म होने के बाद ना मैं जा रहा हूँ गाँव, क्योंकि शादी है, तो मैं इसके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसके जो 3 फेज है वो काफी इंटरेस्टिंग है, वो सारे फेज भी सेम है, सेम टास्क करने उन सभी फेज में, लेकिन ड्यूरेशन कम है, 30 दिन तक करने हैं। ये 75 वाला चैलेंज खत्म हुआ तो इसके बाद जो है 30 दिन वाला,
फेज, उसमें ये 75 वाला सारा टास्क करना है और एक्स्ट्रा 3 से 4 और टास्क है वो करने हैं। देन जब ये फर्स्ट फेज खत्म होगा उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट करने से पहले 30 दिन का ब्रेक लेना है। एंड देन उसमें देखना है कि आपकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल थी और जो आपने ये प्रोग्राम को अडॉप्ट करा 75 का, तो क्या इनमें फर्क आपको नजर आ रहा है, इसलिए 30 दिन का ब्रेक है। तो इस चैलेंज को किसी बंदे ने ही डिजाइन करा है, तो क्यों ना इसको हम अपने तरीके से ले जाए। जैसे कि 75 खत्म होते ही 30 दिन वाला एक और टास्क करना है, मतलब उसके अगले वाले फेज करना है, एंड देन 30 दिन का ब्रेक लेना। तो क्यों नहीं 75 खत्म करके फिर 30 दिन का ब्रेक लें, एंड देन स्टार्ट करते वो तीनों फेज एक ही उसमें, एक ही फ्लो में। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ब्रेक लूंगा 75 के बाद, भाई लाइफस्टाइल तो मेरी वैसे ही रहेगी, तो इसके जो अगले फेज है ना उसको मैं बाद में कंटिन्यू करूंगा। जो बहुत से लोग हैं ना जो इसके बाद ही कंटिन्यू करे जा रहे हैं, मे भी उनको शायद पता नहीं होगा 75 हार्ट के बाद 3 फेज और आते हैं, और उन तीनों फेज में अलग अलग चैलेंजेस है, अलग अलग टास्क वगैरह है। एक तो काफी इंटरेस्टिंग टास्क है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उससे पहले थोड़ी कार्डियो की यहाँ पे मार लेते हैं। में ना एक इंटरेस्टिंग टास्क ये है कि आपको डेली एक स्ट्रेंजर से बातचीत करनी है। आप बातचीत नहीं भी कर पाते हो, सिर्फ हेलो बोल सकते हो। और भी एक दो टास्क है जो काफी इंटरेस्टिंग है, जैसे कि आपको ठंडे पानी से नहाना है, बिल्कुल ठंडे पानी से। वैसे बात करूं तो इस चैलेंज में मैं भाई ठंडे पानी से ही नहा रहा हूं, क्योंकि जब एक्सरसाइज कर लेते हैं ना उसके बाद थकान सी होती है या फिर सोरनेस होती है मसल में, तो रिकवरी में हेल्प मिलता है ठंडे पानी से। और चीज शेयर करूं, इस चैलेंज के साथ एक और चैलेंज मैं कर रहा था 75 दिन तक, भाई उस चैलेंज को मैंने किया है और इसको सिर्फ लड़के समझ सकते हैं बस। बहुत तुमने भाई किया होगा नहीं किया होगा, पर वो चैलेंज मैंने किया भाई। जस्ट मैं चाहता हूँ इस मोमेंट को जी लूं। मैं भी बहुत सालों बाद सोचूंगा, पीछे मुड़ के देखूंगा, फिर मैं भी कहूंगा मैंने भी किया 75 हार्ड को एक्सेप्ट और कंप्लीट। यस, इस पार्क को शुक्रिया अदा कर देते हैं। 75 दिन इस पार्क में आके मैंने एक्सरसाइज किया। थैंक यू सो मच जो भी मेरे साथ इस चैलेंज में आके एक्सरसाइज किए। यस, आई हैव कंप्लीटेड दिस चैलेंज। अब चलते हैं सीधा घर। आज फाइनली पूरा हो गया 75। तो जिसके लिए आप सभी अभी इंतजार कर रहे हो, 75 हार्ट के day 1 से लेके day 75 तक के फोटोज, तो वो अब मैं दिखाऊंगा। मम्मी को शुक्रिया अदा कर देते हैं, क्योंकि भाई जितना भी वो भी था ड्राई फ्रूट वगैरह ये वो हर चीज टाइम पे देने के लिए भाई मम्मी बिल्कुल रेडी रहती थी। हाँ, टाइम पे मिलना चाहिए ये चीज वो चीज हर चीज। मम्मी को क्या बोलना अभी कुछ नहीं पता भाई। अब आप देखो day 1 से day 75 तक के फोटोज। ये था day 1 से day 75 तक के सैलरी। को थोड़ा सा भी फर्क अगर नजर आया होगा तो कमेंट करके यार अपनी राय दे देना। और इसके जो आगे 3 फेज और है, फॉलो अप में 3 फेज है, तो उसको जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू ऑल गाइस। ठीक है, तो क्या करें, इस ब्लॉग को खत्म कर दे, मन तो नहीं कर रहा भाई, आई एम अटैच्ड टू इट, सो करना तो पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली ब्लॉग में। बाय, स्प्रेड लव एंड पीस। इस अपन को बताना है, इधर देखो ये जितने भी पेज दिख रहे हैं सभी पे लिखा हुआ है, सभी पे लिखा हुआ है डेट, और ये रहा day 75। राधे राधे जी, स्वागत है स्क्रिप्टिंग बुक। अब इसमें लिखना हुआ बंद। ओ हो।